करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या गिवन है, किसने दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 टाइम्स के बारे में आपको बताना है। सही आंसर इसमें क्या होगा बताइए। राइट आंसर हम यहाँ से क्या लेंगे, सही जवाब इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से, आंसर्स आने लगे हैं मेरे पास। सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने दो बार प्राइम मिनिस्टर के कार्यवाहक के रूप में काम किया है। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी इन द ईयर 1964, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे 1966। ठीक है, ईयर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो इम्पोर्टेंट है वो है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज सेटअप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये बताना है आपको। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में सेटअप हुआ था? के संतनम, के सी नियोगी, एन के सिंह या के सी पंत? सही जवाब इसके लिए हम क्या लेंगे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की हम बात करें तो किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था, तो के सी नियोगी इसके लिए हम राइट आंसर लेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है 1952 के अंदर जो है ये इसको चेयरमैन बनाया गया था के सी नियोगी को। अब देखिए 15th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, जो अभी 2020 में है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, उसके हेड कौन है, तो एन के सिंह। ठीक है, एन के सिंह ये आपको याद रखना है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी के सी नियोगी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? हाई कोर्ट ऑफ यूपी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या वाराणसी? सही आंसर इसके लिए क्या होगा, हाई कोर्ट ऑफ यूपी जो है वो इलाहाबाद के अंदर है, इलाहाबाद में कहाँ पे, प्रयागराज में, तो ऑप्शन सी हम यहाँ से सही आंसर लेंगे, ये कहाँ पे है तो ये इलाहाबाद के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन सी हम यहाँ से सही जवाब लेंगे। आगे देखिए, सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, सीटी स्कैन का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा हॉस्पिटल्स में, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, सीटी स्कैन के अंदर क्या होता है, आंसर इसके लिए होगा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, ऑप्शन सी हम यहाँ पे सही जवाब लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज आ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? देखिए ग्रीन नाम से आप थोड़ा समझ सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो एनवायरनमेंट के केसेस होते हैं उनको है उनको ये उनके ये केसेस को सॉल्व करता है। ठीक है, एनजीटी जैसे हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से सिर्फ एनवायरनमेंट के केसेस को या एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को कौन देखता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे एनजीटी कहते हैं। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। एनजीटी जो है इसका एक बहुत ही खास एक ऐसा विशेषता है जिसके लिए बहुत फेमस है, वो ये है कि अगर कोई केस एनजीटी में चला गया तो एनजीटी इसके लिए बाउंड है कि 6 महीने के अंदर उसे अपना जजमेंट देना होगा, तो केस जो है वो सिर्फ 6 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगा, इतनी स्पीड के साथ ही केस को सॉल्व करते हैं, इसलिए एनजीटी जो है वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक अदालत, ऑप्शन ए हम इसके लिए सही जवाब लेंगे। ठीक है, 2010 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और विद इन 6 मंथ जो है वो केसेस को सॉल्व करके देता है, तो ऑप्शन ए फास्ट ट्रैक कोर्ट हम इसके लिए सही जवाब देंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत की कितनी नदियों को मुख्य नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हाउ मेनी रिवर्स ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज मेन रिवर? वैसे तो भारत में बहुत सारे रिवर्स हैं लेकिन कुछ रिवर्स जो है वो मेन रिवर्स है जिन्हें क्लासिफाई किया गया है, वैसे तो उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, सहायक नदी आपको कितने सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन रिवर्स हैं वो कितनी हैं भारत के अंदर, टोटल 12, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 12 सही जवाब होगा। श्री सैलम बांध निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा गया आपसे। श्री सैलम डैम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच फॉलोइंग रिवर, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या महानदी? जल्दी से आंसर दीजिए, सही जवाब इसके लिए क्या होगा, श्री सैलम बांध निम्न में से किस नदी के तट पे है, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? ये है कहाँ पे, तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है,
आंध्र प्रदेश के अंदर है श्री सैलम बांध, और कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है? तो रिवर का नाम है कृष्णा। ऑप्शन ए देखिए, कृष्णा हम इसके लिए राइट आंसर लेंगे। और ये है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और रिवर कृष्णा रिवर इसके लिए सही जवाब होगा। ठीक है, ये देखिए आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको श्री सैलम डैम दिखाई दे रहा है, कुरनूल के पास में है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोबे ब्रायंट हु हैज बीन किल्ड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विस्फोट। ये एक मार्च के मंथ में एक इंसिडेंट हुआ था, उस क्रैश में जो कोबे ब्रायंट है, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो किस गेम से संबंधित थे ये आपको बताना है। ठीक है, कौन से गेम के प्लेयर थे? सही आंसर इसके लिए होगा बास्केटबॉल। ऑप्शन डी हम यहाँ से सही आंसर देंगे, बास्केटबॉल। ठीक है, ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं यहाँ से। लॉन्ग मार्च इज एन हिस्टोरिकल इवेंट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लॉन्ग मार्च एक ऐतिहासिक घटना है जिसका संबंध निम्न में से किस देश से है? चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया या यूएसए। ठीक है, लॉन्ग मार्च की बात करें तो ये एक तरीके का इवेंट होता है। ठीक है, और ये आंसर देख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं इसको। चाइना इसके लिए राइट आंसर होगा। चाइना के अंदर आप सभी को पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह का ये रिट्वीट होता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि चीन की जो साम्यवाद जो पार्टी है उसका एक तरीका कूच होता है जिसे कहा जाता है लॉन्ग मार्च। ऑप्शन ए हम सही आंसर लेंगे यहाँ से, चाइना। प्राइम मिनिस्टर बताना है ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर इसके लिए होगा बोरिस, बोरिस जॉनसन। ऑप्शन सी करके आपको ध्यान रखना है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैज बीन अपॉइंटेड एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवॉय टू द ओईसीडी? किस भारतीय अमेरिकी राजनयिक को ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है? ऋषि सुनक, रो खन्ना, मनीषा सिंह, प्रमिला जयपाल। सही आंसर इसके लिए हम क्या लेंगे? ओईसीडी का राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बताइए? मनीषा सिंह हम यहाँ पे सही जवाब लेंगे। ठीक है, मनीषा सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी विच इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2019? 2019 का शब्द कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है आपको। 2019 के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक वर्ड ऑफ द ईयर दिया है, उस वर्ड का नाम क्या है? क्लाइमेट इमरजेंसी। ऑप्शन डी जलवायु आपातकाल। ठीक है, ये था 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए, हु इज द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बताना है कौन है इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शंस आपको गिवन है, तो अर्जुन मुंडा इसके लिए हम राइट आंसर लेंगे। अर्जुन मुंडा जो है वो झारखंड से हैं, एंड ही इज अपॉइंटेड एज अ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द हॉट करंट? निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? हम्बोल्ट करंट, एलिनो करंट, लैब्राडोर करंट या लालीना करंट? ये पूछा गया है आपसे, हॉट करंट के बारे में आपको इसके अंदर बताना है। बताइए, हॉट करंट, गर्म जल धारा, इनमें से आपको नाम याद रखना है एलिनो। ऑप्शन बी करके आपको याद रखना है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एलिनो। चलिए आगे देखते हैं, विच रिट इज यूज बाय सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट फॉरबिडिंग द लेटर टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग देयर इन? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा किसी निचले न्यायालय के पर कार्यवाही जारी रखने को रोकने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने से जो नीचे वाला कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट को देगा और हाई कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट को देगा, तो अपने से निचले कोर्ट को एक आदेश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो कोर्ट है, जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट में मान लीजिए कोई काम ठीक से नहीं हो रहा या कानून के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस में एक रिट देगा हाई कोर्ट को। उसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन, कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है और उसे तुरंत रोक दिया जाए, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है,
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, खरीफ फसल नहीं है इनमें से ज्वार, मूंगफली, मक्का या बार्ले, बताइए इनमें से खरीफ की फसल नहीं है। सही जवाब हम क्या लेंगे ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, आंसर यहाँ पे होगा बार्ले, इनमें खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, एंड हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, उसके लिए राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, 1991 के अंदर भारत की इकोनॉमी को स्ट्रोंग करने के लिए, भारत में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को लाया गया था। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पे सही आंसर लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त कौन थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, यूवी रेज को किसने डिस्कवर किया था, यूवी रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरेज की बात करते हैं पहले, इतने आप आंसर बताइए, एक्सरेज को डिस्कवर किया था रोंटगन ने। ठीक है, और यूवी रेज की बात करें तो विलियम हर्शल इसके लिए हम सही आंसर लेंगे। ठीक है, सॉरी जॉन रिटर ने इसको, जॉन रिटर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर एक्सरेज का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसलिए एक्सरेज का भी आपको याद रखना है, एक्सरेज का डिस्कवर किया था डब्लू रोएंटगन ने। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लिया, डी जॉन रिटर इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखो, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत इज रेफर्ड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत की शक्ति, अधिकार तथा जवाबदेही का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में है, पंचायत की जो शक्तियां हैं, उसकी अथॉरिटी है और उसकी जवाबदेही है, वो सब संविधान की कौन सी सूची के अंदर आते हैं। तो सही आंसर क्या लेंगे इसके लिए, शेड्यूल 11th, ऑप्शन सी करके आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है, नीपर, डेन्यूब, यूरल या वोल्गा। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप इज वोल्गा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सबसे लंबी नदी है यूरोप की वोल्गा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए, हु हैज बिकेम द टॉप रैंक्ड प्लेयर इन इंडिया एज पर आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग 2020 ऑफ सीनियर मेल प्लेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की वरिष्ठ पुरुष खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग 2020 में भारत में जिसकी सबसे शीर्ष रैंकिंग रही है उस खिलाड़ी का नाम बताना है, चार प्लेयर्स के नाम आपको दिए गए हैं, इसके लिए सही आंसर होगा हमारा, बताइए शरत कमल, इसके लिए राइट आंसर लेंगे ऑप्शन डी शरत कमल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिडेंट हैपन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ था, 47, 62, 65 या 71, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध अक्सर होते रहते हैं, तो 1947 में भी हुआ था, 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, लेकिन 1962 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर डिडंट हैपन बिकॉज 1962 में वॉर किसके बीच में हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे याद रखना है, सही जवाब होगा। आगे देखिए, एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड इन ऑफ साइट सेंटर ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक पहुंचाने को क्या कहा जाता है, देखिए एक आंसर देख लेते हैं फिर समझते हैं इसको, क्लाउड कंप्यूटिंग सही आंसर है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपका फोन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए चार फोन है, अब आप इसमें से मान लीजिए एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह करते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, एक दूसरे को वीडियो सेंड कर रहे हैं, फोटोज भेज रहे हैं,
आपका जो डेटा है वो इस फोन से इस फोन के जाने तक यहाँ पे बीच में एक जगह स्टोर होता है, ठीक है, एक जगह स्टोर होता है। ये जो स्टोरेज प्लेस है इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। वैसे ही मान लीजिए ये फोन जो जिसका है वो इसे कुछ भेजना चाहता है, तो इनके बीच का जो डेटा है वो भी यहाँ पे स्टोर होता है। ये जो स्पेस है इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हम यहाँ से राइट आंसर लेंगे। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, हर्ष या कल्हण? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? वॉज रिटन बाय। सही आंसर इसके लिए हम क्या लेंगे? हर्ष चरित्र जो है वो एम्परर हर्ष के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, एम्परर हर्ष के ऊपर लिखी गई है। संस्कृत में ये लिखी गई है, संस्कृत, और एंड इट वॉज ऑथर्ड बाय, सही आंसर होगा यहाँ से बाणभट्ट। ऑप्शन ए हम यहाँ से सही आंसर लेंगे, बाणभट्ट, ठीक है। 7th सेंचुरी के अंदर जो है बाणभट्ट ने लिखी थी, किसके ऊपर? किंग हर्ष के ऊपर, ठीक है, इन द लैंग्वेज संस्कृत में। ऑप्शन ए बाणभट्ट यहाँ से राइट आंसर है। आगे देखो, ये देख सकते हैं आप, गुल मकई फिल्म किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? गुल मकई इज अ फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सन, ये बताना है आपको। ये फिल्म बनने जा रही है गुल मकई, जो किसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है? तो ये पाकिस्तान की टीनेजर है जिनका नाम है मलाला यूसुफ जाई, इनको नोबल पीस प्राइज भी दिया गया है, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी टीनेजर है जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काम किया है, एजुकेशनिस्ट है। ऑप्शन बी हम मलाला यूसुफ जाई यहाँ से सही आंसर लेंगे। फिल्म का नाम हमने क्या देखा? गुल मकई, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुल मकई। ये देखिए आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, हु हैज बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय द्विवेदी, इंद्रमणि पांडे, संजीव सिंह या श्रीकांत माधव वैद्या? सही जवाब हम लेंगे IOCL। IOCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, बताइए क्या होना चाहिए? श्रीकांत माधव वैद्या। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? कौन से वर्ष में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? बाय मनमोहन सिंह विद एन एम ऑफ सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष में मनमोहन सिंह के द्वारा अंग्रेजों से भारत की आजादी को सुरक्षित करने के लक्ष्य से किया गया था। कब बनी थी बताइए? ये इसके लिए राइट आंसर हम क्या लेंगे? सही जवाब हमारा यहाँ पे होगा 1942, 1942, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था उस वक्त आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, और इसका एम क्या था? सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ठीक है, भारत के लोगों की आजादी इसका लक्ष्य था। ऑप्शन बी हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे। आगे देखो, विच पाकिस्तानी पोर्ट इज बिल्ट एंड मैनेज्ड बाय चाइना? चाइना के द्वारा कौन सा जो है पोर्ट बनाया गया है और मैनेज किया जा रहा है? तो सभी को पता होगा चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया है। ऑप्शन सी ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान के पास में है, पाकिस्तान के जो प्रांत है बलूचिस्तान, और कहाँ पे है ये? अरेबियन सी में है, ठीक है, अरेबियन सी में। पाकिस्तान का जो प्रांत है बलूचिस्तान के पास ये बनाया गया है, और इस पोर्ट को किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है, और ये इसको मैनेज कर रहा है, ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। कॉम्प्राइजेज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया और द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स डीलिंग विद द कम्युनिटी। एक क्षेत्र में जीवों के समुदाय समुदाय के सभी सजीव प्राणी और समुदाय से संबंधित निर्जीव अजैविक कारक शामिल है, बताइए। सही आंसर इसके लिए हम लेंगे इकोसिस्टम, पारितंत्र, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है एक एरिया में, जिसमें नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि आपकी एयर हुआ, लाइट हुआ, वाटर हुआ, ये सब भी। तो इन सबको मिला के हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है।
किस भारतीय लेखक ने 2020 के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? विच इंडियन ऑथर हैज वॉन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? लीला सैमसन, कृतिका पांडे, मधुर विजय या जसविंदर बिलन? सही आंसर बताइए जल्दी से। राइट आंसर इसके लिए हम क्या लेंगे? कृतिका पांडे इसके लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो कृतिका पांडे ने जीता है 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेशनल ह्यूमिलिएशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 6 अप्रैल 1990 एज अ रिएक्शन टू 6 अप्रैल 1919 को किसकी प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अवमानना दिवस मनाया गया था? एक एक्ट पारित किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिस एक्ट का नाम है रोलेट एक्ट। ये जो एक्ट है इसे ब्लैक लॉ भी, काला कानून भी कहा जाता है। इस लॉ में ये क्या ऐसी खास बात थी कि किसी भी भारतीय को शक के बिना पे ही कैद कर लिया जाएगा, उस पर ना कोई ट्रायल होगी ना उस पर कोई सबूत पेश किया जाएगा और सीधा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए नेशनल ह्यूमिलिएशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 6 अप्रैल 1919 और फिर 13 अप्रैल 1919 को जो दुखद घटना हुई वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन रैमन मैग्सेसे अवार्ड? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा, एम एस सुब्बा लक्ष्मी, किरण बेदी या बनू जहांगीर? कोई जी। फर्स्ट वीमेन टू विन रैमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है। सही आंसर इसके लिए होगा मदर टेरेसा। ऑप्शन ए हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे। ठीक है, मदर टेरेसा सही आंसर है। अगर बात की जाए जो रैमन एक्स अवार्ड है, ये 2019 की हम बात करें। ठीक है, 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? रवीश कुमार। रवीश कुमार जो एनडीटीवी के एंकर हैं, एनडीटीवी के एंकर हैं रवीश कुमार, उन्हें 2019 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। अगर बात की जाए कि फर्स्ट इंडियन मैन का अवार्ड जो है वो किन्हें दिया गया? इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता में वो अवार्ड दिया गया था। और उनका नाम अगर पूछा जाए आपसे तो नाम याद रखना अमिताभ चौधरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी आपको याद रखना है। तो अगर फर्स्ट इंडियन वीमेन की बात की जाए तो मदर टेरेसा, अगर फर्स्ट इंडियन मैन की बात की जाए तो अमिताभ चौधरी, जिन्हें जर्नलिज्म के अंदर ही अवार्ड दिया गया था। 2019 की बात करें तो एनडीटीवी के जो पत्रकार है रवीश कुमार, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बचता है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड की जो शुरुआत है वो कौन से देश के राष्ट्रपति ने की थी? तो फिलीपींस। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पे इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये चार पांच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल रिवर? सफेद नील नदी का स्रोत निम्न में से किससे है? देखिए, अफ्रीका के अंदर अफ्रीका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नाइल। ठीक है, नाइल या नील कह सकते हैं आप। ये इसके दो भागों में बट के ये डिवाइड होती है, एक वाइट नाइल और एक ब्लू नाइल। ठीक है, तो आपसे सोर्स पूछा गया है वाइट नील नदी का, सफेद नील नदी का स्रोत आपको इनमें से बताना है। तो इसका स्रोत है अफ्रीका के अंदर ही लेक विक्टोरिया। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेक विक्टोरिया। और नील रिवर जो है वो अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी में से है। तो ऑप्शन बी लेक विक्टोरिया यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन कीट के रूपांतरण का दूसरा चरण होता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ मॉथ? मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस क्या होती है? आप सभी को पता है जो एनिमल्स है वो सबसे पहले एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, फिर एग से कुछ स्टेजेस आती हैं बीच में, उन स्टेजेस से फिर सीधा एडल्ट, एक बड़ा जो है आपका एनिमल बनता हुआ दिखता है। तो पूरी प्रोसेस होती है जो एग से लेके एडल्ट तक की, एग से लेके पूरा जब एनिमल बनता है एडल्ट तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ पार्ट्स भी होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बनता है एग। ठीक है, एग के बनने के बाद क्या बनता है? लार्वा बनता है। लार्वा के बाद बनता है प्यूपा। ठीक है, और प्यूपा के बाद बनता है एडल्ट। ठीक है, एडल्ट। ये इस प्रकार की साइकिल होती है, इस साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो पूछा ये गया है ये कीट के रूपांतरण का दूसरा चरण कौन सा होता है? तो दूसरा चरण आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला चरण ये है, फिर दूसरा आप ये देख रहे हैं, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, तो सेकंड की बात की गई थी तो सेकंड हमारा ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा। यहाँ पे लार्वा, यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो, ये आप इस साइकिल के अंदर भी देख सकते हैं। पहले एक एडल्ट एग स्ले करता है, यहाँ से फर्स्ट स्टेज इसकी स्टार्ट है, फिर बनता है लार्वा सेकंड स्टेज, फिर बनता है प्यूपा, फिर बन जाता है एक एडल्ट, एक नई बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं हम इसे, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टूगेदर आर कॉल्ड, एक साथ उपभोग की जाने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, पूरक वस्तुएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप दूध के साथ, कभी कभी हम मिल्क के साथ कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। ठीक है, दूध के साथ आप क्या खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। ठीक है, जैसे आपका डीवीडी, आपकी जो डीवीडी होती है, डीवीडी के साथ डीवीडी प्लेयर, तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि आपको ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज की जाती है, जैसे कि आप कोई सीडी देखना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो आप उसे टीवी में, डीवीडी प्लेयर में देखेंगे, तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, एक दूसरे की ये वैल्यू बढ़ाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हम इसके लिए सही आंसर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इससे समझ में आ गया होगा आपको। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में जो विवाद होता है, उसमें फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होता है, हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपी या एमएलएज का जो एमपी या एमएलएज का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, वो किसके लॉ के बेस पे होता है, एंटी डिफिकेशन लॉ। एंटी डिफिकेशन लॉ के बेस पे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन इसका जो डिस्क्वालीफाई है उसको करने का अधिकार किसका होता है, सिर्फ स्पीकर, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन। ठीक है, तो जो सदन होते हैं उनके अध्यक्ष होता है, वही डिसाइड कर सकता है कि एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है। लेकिन अगर इस चीज के ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर इस पे कोई विवाद होता है, उस कंडीशन में जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमारे प्रेसिडेंट का होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, आगे देखो, हु इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग के वर्तमान मुख्य अधिकारी कौन है, बताइए चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है हांगकांग के, इनका नाम आपको बताना है। राइट आंसर इसके लिए हम क्या लेंगे, कैरी लैम, यहाँ से सही आंसर होगा कैरी लैम। विच फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैज वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ स्टैटिस्टिक डे, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है सी रंगराजन, ऑप्शन सी हम यहाँ पे सही आंसर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ग्रेट स्तूप ओरिजिनली बिल्ट इन द 3rd सेंचुरी बाय मौर्यन एम्परर अशोक वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्परर, महान स्तूप जिसका निर्माण जो है मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, लेकिन बाद में किसके शासनकाल में इसे नष्ट कर दिया गया था, ये आपको बताना है। बताइए, इसका निर्माण करवाया था अशोक ने, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय किसने किया, जब मौर्य एम्पायर का जब युद्ध हुआ था किसके साथ, पुष्यमित्र सुंग के साथ, तो उन्होंने मौर्य जो मौर्यन साम्राज्य था उसको हरा दिया था, उसके बाद जो है उन्होंने इन स्तूपास को नष्ट कर दिया था, तो पुष्यमित्र सुंग इसके लिए सही आंसर होगा। द टर्म पिक एंड रोल इज यूज इन दिस स्पोर्ट, पिक एंड रोल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, फुटबॉल क्रिकेट टेनिस या बास्केटबॉल, ये एक प्रकार का जो जैसे आपने बास्केटबॉल में देखा है एक दूसरे को पास करना बास्केटबॉल, उस टाइप की कोई एक टर्म है जिसका नाम है पिक एंड रोल, ऑप्शन डी हम यहाँ से सही आंसर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लांट इज कार्निवोरस, इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो कार्निवोरस है आपको बताना है, मतलब इंसेक्टिवोरस है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया पिचर प्लांट इसके लिए हम सही आंसर लेंगे, ये जो प्लांट है ये कार्निवोरस है। ठीक है, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खा के ये अपना काम चलाता है, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए कैलिफोर्निया पिचर प्लांट हमारा सही आंसर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विच कम्युनिटी ऑफ नेपाल परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कॉल्ड घटू नृत्य, नेपाल का कौन सा समुदाय घाटू नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करता है, लिंबू गुरुंग कीरत या राय, देखिए इसके लिए सही आंसर हम लेंगे, नेपाल परफॉर्म्स अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम घाटू नृत्य,
गुरुंग समुदाय, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, गुरुंग समुदाय हमारा यहाँ से सही आंसर लेगा। 10 साल से 19 साल की जो लड़कियां हैं वो इसको परफॉर्म करती हैं, ऑप्शन बी गुरुंग। आगे देखो, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किस आंदोलन का आयोजन किया गया था? विच मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबिडियंस एंड खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इन द ईयर 1905, 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था। इस विभाजन का जो प्रोटेस्ट है वो कैसे किया था? स्वदेशी आंदोलन चला के। ऑप्शन ए कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बॉयकॉट किया जाएगा, जैसे अभी हम चाइनीज आइटम्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, वैसे ही जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वस्तुएं बनाई गई थी उनका बॉयकॉट कर किया गया था, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। इसी में जो है खादी को अपनाया गया था। हाउ मेनी इंसिजर्स टिथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव? एक एडल्ट ह्यूमन हैव के टिथ का हम एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, जो एडल्ट ह्यूमन है उसके टिथ में टोटल टिथ कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं टोटल। ठीक है, 32 दांत में से देखिए 8 जो टिथ होते हैं उसके इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं? इंसीजर होते हैं टोटल 8। फिर उसके अंदर आते हैं मोलर, मोलर दांत भी होते हैं 8। अब बात करते हैं प्री मोलर की, प्री मोलर दांत भी होते हैं उसके 8। उसके अंदर कैनाइन टीथ भी होते हैं, तो कैनाइन टीथ होते हैं 4। ठीक है, टोटल काउंट कीजिए कितना हो गया, और 4 टीथ जो होते हैं ठीक है वो विजडम टीथ होते हैं। तो टोटल जो टीथ है वो एडल्ट ह्यूमन में 32 होते हैं, और इंसीजर्स की बात करें तो 8 हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ सीएफबीसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो रविंद्र भकर इसके लिए हम सही आंसर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, रविंद्र भकर को सीईओ एसबीएफसी नियुक्त किया गया है। विच केमिकल इज यूज इन वोटिंग इंक? जब आप वोटिंग करने जाते हो आपके फिंगर पे जो एक इंक लगाई जाती है वो वोटिंग इंक के अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो अगली बार से जब आप वोट देने जाएं और आपके हाथ पे वो डाई लगाई जाए तो आप उनसे जरूर पूछना कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है। तो वोटिंग इंक के अंदर सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हम यहाँ पे सही आंसर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो है ये इंक, ये वोटिंग इंक जो है 1962 का जब चुनाव हुआ था मैसूर कर्नाटक में, तब इस इंक को यूज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूटान के किस शासक ने वर्ष 1972 में सकल खुशहाली सूचकांक शब्द दिया था? ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स जो हम निकालते हैं उस शब्द को किसने दिया था, उनका नाम आपको बताना है इसके लिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा जिग्मे सिंगे वांगचुक, ऑप्शन बी। याद रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट एक दो बार बोल के देखेंगे तो याद हो जाएगा। हु फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी अ रोमन कैथोलिक कॉन्ग्रेगेशन ऑफ वीमेन डेडिकेटेड टू हेल्पिंग दी पुअर? ठीक है, बताना है आपको कि रोमन कैथोलिक मंडली मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी, जो गरीब लोगों की मदद के लिए समर्पित है। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर होगा मदर टेरेसा ने की थी, ऑप्शन डी हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे। इंडिया हैज बैंड 59 चाइनीज मोबाइल एप्स अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में है कि भारत ने चाइना में जो गलवान घाटी में लेके जो प्रॉब्लम हुई थी, और गवर्नमेंट ने ये रीजन भी दिया है सिक्योरिटी का, कि मेन रीजन जो है वो सिक्योरिटी का है, इसलिए गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज मोबाइल एप्स को बैन कर दिया गया है। इसके पीछे गवर्नमेंट ने जो रीजन दिया है वो दिया है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कि आपका जो टिकटॉक का जो जो ये 59 मोबाइल एप्स हैं, सॉरी, इनमें जो डेटा है आपका, जो भी डेटा है वो जो स्टोर होता है वो सब जाके चाइना के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब चाइना के अंदर उसको कैसे यूज किया जाता है वो अलग बात है, इंडिया के अंदर वो डेटा स्टोर नहीं होता, इसलिए भारत की सिक्योरिटी के लिए इन एप्स को बैन किया गया है। सेक्शन है 69A ऑफ आईटी एक्ट। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, कैटरीना सैकेलारो पाउलो विल बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्पेन, ग्रीस, स्विट्जरलैंड या जर्मनी? ठीक है, ये हाई कोर्ट की जज भी हैं। इनका नाम, ये कौन सी कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है? तो ग्रीस इसके लिए हम सही आंसर लेंगे। ठीक है, तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं कल के।